गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मैं आज ये मेंटेनेंस कर रहा हूँ और रोलर खोल रहा हूँ। जो रोलर खोल के उसका बेरिंग चेंज कर रहा हूँ। जो बेरिंग ठीक है उसको, ये बेरिंग ठीक है, सही है। उसका ऑयल सील जो कट गया था वो ऑयल सील चेंज कर रहा हूँ, और सेक थोड़ा हो रहा था उसको देख के उसको निकाल रहा हूँ। पहले इसको क्या करना है, देखो दोनों साइड में कैसे इसको निकालना है। ये निकालने का तरीका जो है, आपको इस साइड में 19 नंबर का एक पाना लगाएगा, पाना नहीं तो वो बॉक्स गोटी, जो गोटी रेंज है वो लगाएगा, और उसका उल्टा साइड में, उल्टा साइड में देखो मैं लगाया हूँ, ये एक लगाना है, लगा के उल्टा तरफ मुड़ना है। मुड़ने के बाद वो एक लूज हो जाएगा, वो कोई भी एक ये लूज हो जाएगा। ये लूज होने के बाद क्या करना है ना, उस साइड में ये पाना लगाओ, वो जो बॉक्स रेंज है उसको लगाओ। लगाने के बाद क्या करना है, ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ये लूज हो, घूमना चाहिए ऐसे, जैसे घूमना चाहिए ऐसे घूमना चाहिए। इसको क्या करना है ना, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैसे निकालता हूँ, आप लोग कैसे निकालते हैं आप कमेंट में बताइए। मेरा जो तरीका है, ये देखो कैसे निकलता है, देखो ये मेरा जो निकलने का तरीका है, मैं उस साइड में एक लगाया, पहले तो इसको लगा के ऐसे उठा के इसको खोल दिया। ये खोलने के बाद वो साइड बच गया। वो बोल्ट कैसे खोलना है, उस साइड अच्छा से लगा के इसको हल्का हल्का ऐसे 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 हल्का 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 ऐसे 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 करेगा तो वो खुल गया, वो साइड खुल गया। देखो खुल रहा है, खुल रहा है, देखो देखो खुल गया। ये पूरा मेरा, ये पूरा चला गया था, ये देखो अभी निकालेंगे मैं किस किस को। वो निकल गया, ये देखो दोस्त ये निकल गया उस साइड का। बाकी जो वाशर है और ये निकल गया, इसको हम निकल के रखना है, ये निकल जाएगा, इसको थोड़ा खींचने से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, देखते रहिए दोस्त ये कैसे मैं निकलता हूँ, वो बोल्ट वगैरह कैसे निकलता हूँ, देखता हूँ। इसको उसमें लगा के थोड़ा बोल्ट में लगा के थोड़ा निकाल लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बाद में इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये तो ऐसे निकल जाएगा। पूरा वीडियो देखते रहो कैसे मैं निकालता हूँ, इसको निकाल के कैसे बनाता हूँ। देखो ये देखो हम लोग का कैसे ये हो गया था, ये इसका बेरिंग और ये सब चला गया, ये देखो ऐसे घूम रहा था इसको, और ये सही है, इससे ये नहीं हल रहा है, थोड़ा सा सहग है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अभी चलेगा, एक सीजन चलेगा। इसमें क्या है ना, इसका निपोल भी निकल सकते हैं,
मैं विद डैट बिना निकाल के इसको निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारा मानने के लिए, हमारा मानने का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको देखो मैं कितना आसानी से निकलता हूँ, इजी में निकलता है। अगर छोटा रॉड का बार होगा ना उसमें अच्छा रहेगा, थोड़ा वजन वाला चाहिए जिसको हमको गाड़ते हैं, जो बांस गाड़ते हैं उसे वाला सावल, हम लोग को उड़ीसा में सावल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में थोड़ा लिखो। ये देखते रहो निकल गया, ये दोस्त निकल गया। और इसका जो है इसको देखो कैसे निकालता हूँ, ये वाला देखो कैसे निकालता हूँ इसको। देखो बोल्ट निकल गया, इधर देखो ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। इसको क्या कैसे निकालना है ना, इसको निकालने के लिए इतना तकलीफ नहीं है, फिर भी आप लोग को तकलीफ उठाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हेलो बेट्स, ये क्या करते हैं ना हम लोग को देखो कैसे हम उसको निकलते हैं। क्या करते हो ना, ऐसे जो बार है ये छोड़ और छोटा होने से चला गया, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा होने से चलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ से इसको देखो, ये इसको निकल दो, ये निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा, उस पीछे तरफ से डालने से निकल जाएगा, कहीं खो जाएगा नहीं तो, इसलिए हम लोग इसको पहले निकल लेते हैं। देखो दोस्त ये क्या करना है, ये ऐसा है, इसको क्या करना है ना, ऐसा एक पकड़ो, पकड़ के देखो ये जो इसमें है ऐसे गाड़ो, देखते हैं मैं कैसे गाड़ता हूँ। इसमें जो है ये जो सेंटर जगह है ये वाला में, यहाँ पे मारो, एक आदमी ऐसे घुमाते रहो, ऐसे घुमाते रहो, ये जो जगह है इधर में, ये जो है एक हथौड़ी ऐसा मारो, देखो ये कैसे मारते हैं, मैं देखिए दोस्त कैसे लगाते हैं, इसमें 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 ऐसे घुमाता रहना और इसमें मारते रहना, ठीक है। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे हम। वीडियो देखते रहिए, अगर आपका उधर नहीं ऐसे नहीं खुलेगा उसको क्या करना है, ये नौका निकालना पड़ेगा, ये वाला निकल के मारना पड़ेगा, ये सिर्फ सामने है बोल के निकल जा रहा है, ये तो ये दूसरा इसको खोलने के लिए क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अगर दूसरा भी तरीका है इसमें ये वाला फंसा के ऊपर से ठुकने से वो निकल आएगा, तरीका है आप जैसे तरीका में आप यूज करते हैं। मैं अकेला निकालता हूँ, देखो मेरा पास कोई आदमी हेल्पर नहीं है, अभी वो गया है दूसरा जगह, मैं अकेला निकल लेता हूँ। देखो ये पूरा, देखो मैं इसको निकालता हूँ, ये बहुत जानकारी का जानकारी वीडियो है। इसको हमेशा नया नया बंदा जो आते हैं
हम लोग को बहुत जानना ज़रूरी है कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको जानना ज़रूरी है नया नया बंदा लोग को, क्योंकि उन लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इसका। देखो दोनों तरफ निकल गया, देखा दोस्त, ये देखो इसमें पूरा टूट के अंदर रह गया है, इसका निकल गया। ये देखेंगे इसमें क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, देखो ग्रीस भी नहीं है, ये बहुत दिन से देखो पड़ा है कैसे, ये देखो कैसा हुआ है। ये नहीं था बोल के, ये ग्रीस वगैरह नहीं था, इसके लिए ये सूखा हो गया था थोड़ा, मन से दोनों तरफ निकल गया, देखो कैसे निकला, उसका सांप का साथ निकल गया। इसको निकालने के लिए उसका बेरिंग ठीक सही नहीं था, इसलिए ये सांप का साथ निकल गया, इसको ये सांप का साथ निकल गया, इसको थोड़ा हमारे से इधर बीट करने से पकड़ के वो निकल जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल जाएगा। नहीं तो वो सांप बैठने का टाइम में, सांप जो बैठने का टाइम में वो हम लोग को क्या करना है ना, जो सांप जब तक बैठने का टाइम है इधर से मारने से सिर्फ वो सांप रहेगा और दोनों तरफ दो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते रहो, कैसे फिटिंग करना है वो भी देखेंगे आपको, आप बने रहो वीडियो पे। हेलो दोस्त, ये देखिए, ये है उसका ऑयल सील और बेरिंग उधर में उसमें लगा के, ये ऑयल सील है, ऑयल सील का नंबर ये है 23-14-2, ये है उसका पार्ट नंबर 5220-5220-23142, ये उसका, ये लेकिन डुप्लीकेट है, ओरिजिनल भी मिलता है। और उसका जो पार्ट्स नंबर है सभी का, ये है उसका पार्ट्स नंबर, आप ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप कॉपी कर सकते हैं, ये है पार्ट्स नंबर। ये उसका बेरिंग जो है 6305 नंबर बेरिंग है और सर क्लिप है उसका, फ्रेम ट्रक फ्रंट या ब्रेक वो भी सब कुछ है, रोलर का नंबर है, सब कुछ है, शाफ्ट बेरिंग बॉल सब कुछ है, इसमें आप देख के उसको बना सकते हैं। ये कैसे फिटिंग करते हैं, देखो पहले बेरिंग को बैठाया, बेरिंग को बैठा के शाफ्ट लगा दिया, उसके बाद उसका लॉक लगाया, लक लगाने के बाद क्या क्या ना बेरिंग ओपन, ये ऑयल सील ओपन करके ऐसे फिट किया, ऐसे फिट करके उसके बाद क्या करना है ना, इसको चढ़ाना है, ये वाला को क्या करना है ना लगाने का है, इसको लगा के ठीक से लगाना, इसको लगा के उसके बाद क्या करना ना हम लोग को उसका वाशर लगाना है, पहले वाशर लगाना है और उसका जैम नट है, जैम नट लगा के नया बोल्ट लगाना, क्योंकि पुराना बोल्ट जो है वो थ्रेड फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो पुराना बोल्ट ठीक सही रहेगा भी तब भी उस पुराना बोल्ट मत लगाना, क्योंकि कभी कभी ये जो साइड स्लिप हो सकता है, ये जो है ये साइड कभी, ये देखो इसका कितना, ये थोड़ा कम है, कभी भी टाइट मारने का टाइम स्लिप हो जाएगा तो फिर निकालने के लिए मुश्किल होगा। ये लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जब भी लगाता हूँ नया लगाता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, ऐसे दोनों तरफ लगा के टाइट करो, टाइट करने के बाद आराम से चलेगा। थैंक यू।